हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा, हम पहुंच गए थे गुलाबगढ़, और मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट डे जाएंगे जो तत्ता पानी है, गर्म पानी, बट घर वालों को आज ही जाना है। तो अभी हम 5-10 मिनट बैठे हैं मुश्किल से, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। आजकल बोलते कि गाड़ी थोड़ी ऊपर तक जाती है, पैदल चलने का कम है, पहले 1 घंटा होता था पैदल चलने का, बट लेट्स सी, जाके मैं आपको अपडेट देती हूँ, ठीक है? चलो। गुलाबगढ़ से जो तत्ता पानी है वो सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो हम तत्ता पानी जाएंगे, फिर रात को स्टे हमारा आज भी गुलाबगढ़ में ही होगा। वाओ, इस व्यू को देखो यार। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाएगी 70 रुपये 1 घंटे, ठीक है? पहले जब हम आए थे तब 1 घंटा पैदल चलना पड़ता था, आजकल जो रोड है वो मंदिर तक ही बन गया, तो मतलब यू नो कोई ज़रूरत नहीं है वॉक करने की। चलो नहीं ले जा, ए मेरे ऐसे ही कुत्ते को हाथ लगाया था, मेरा हाथ खा लिया था, इसको ले जा तू, बोल रहा इसको लेने, ये तेरे को ले जाएगा। इसको वो लगे हैं ऐसे नाड़ू टाइप्स, नलके टाइप, चुम्मा थांग ही है, सेम वो ही है। चुम्मा थांग में भी तो मतलब पेन वगैरह पूरी रिलीफ होती है ना, यहाँ पे भी वो ही है। ये ऐसे बने यहाँ पे नहाने, दरवाजा नहीं है, इधर चादर शादर टांग लो उधर, तो लेडीज की है, लिखा तो है उधर लेडीज, पागल। ये पीछे गरम आ रहा है, आगे ठंडा आ रहा है, दोनों गरम ही है, फ्रेश हो जाती है थोड़ा। आई होप सो मेरी थकावट थोड़ी दूर हो। और फिर ये माता रानी का भवन भी है, क्या क्या नहीं है, कुंड है उधर अंदर, ये भवन है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पूरा कुंड दिखता है, दिखाती हूँ आपको बाद में। यहाँ पे शॉप्स भी, ओ भाई साहब जिंदगी का मज़ा, इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ना, आहा, सो रिफ्रेशिंग। सो अभी आई थिंक पापा तो दर्शन करके प्रसाद खाने भी शुरू हो गए, चलो चले हैं। तत्ता पानी बोलते इसको, तत्ता पानी, मंदिर में जाए जूते खोल के जाए, कुंड के अंदर सिक्के डालना सख्त मना है, औरतें अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान कूड़ेदान में डालें, बाथरूम में गंदगी ना फैलाएं। ये शेषनाग जी का प्राचीन मंदिर है, सदियों पहले शेषनाग जी यहाँ साधु रूप में आए थे, ये गर्म पानी शेषनाग जी की देन है। कुंड में सफाई के लिए चिट्टो गाँव से 9 चेले आते हैं, की जाती है कुंड की सफाई रात में की जाती है। ओके चल हो गए दर्शन, इसमें सिक्के डालना मना है, पहले लोग डालते थे मुझे याद है। ये मंदिर है आई थिंक शिव जी का ही होगा, शेषनाग जी का, हाँ शेषनाग जी गई, चलो मैं माथा टेक के आती हूँ। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता देंगे, उनसे पूछ लो मंदिर, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बता दो, ऐसा ना हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान, हमारे पापा भी हैं ज्यादा, वो जो बाहर बैठे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे। कितने साल पुराना मंदिर है? 550,000 साल का मंदिर है ये। जब मचेल माता आई थी उससे पहले क्या? नहीं, उसके साथों साथ में। अच्छा, मचेल माता अभी इतनी पुरानी है? इतनी पुरानी है। अच्छा अच्छा, वहाँ से आए हुए हैं ये। अच्छा, महात्मा जी के रूप में आए थे यहाँ। अच्छा, वहाँ से जब आए ये
तो पहुंच गए संस्कार से आए, जनस्कार जानस्कार जानस्कार हाँ उधर से आए हैं। अच्छा। इधर मचेल में। अच्छा। मचेल माता के पास पहुंचे, वहाँ माता ने रास्ता दिखाया इधर के लिए। अच्छा। से आगे हमूरी गांव है नीचे। हाँ। हमूरी गांव में वहाँ उन्होंने अपना थोड़ा सा आसन रख दिया है, वहाँ भी एक मंदिर है, शेषनाग जी का मंदिर है। अच्छा। हाँ हमूरी में एक मंदिर है। वहाँ से फिर आगे जब ये पहुँचे इधर गुलाबगढ़ में, गुलाबगढ़ में जब पहुँचे तो वहाँ से इनको आ गया रास्ता उधर के लिए हिमाचल के लिए। अच्छा। हिमाचल के लिए सोल एक गाँव पड़ता है, वहाँ से पार एक गाँव है चटो माता। अच्छा। चटो माता सिंहासन माता का मंदिर है वहाँ चटो में, उधर चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ माता ने बोला कि यहाँ आपकी काबिल जगह नहीं है बैठने के, तो आप यहाँ से चले जाओ, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपकी सेवा के लिए हम यहाँ से अपने आदमी भेजेंगे। अच्छा। फिर वहाँ से आ गए वापस, वापस आकर फिर आ गए इधर के लिए। फिर फर्स्ट गांव जो आता है करथई में, करथई गांव में बैठे वहाँ विश्राम किया, वहाँ अच्छा। पलायन जगह थी, वहाँ इन्होंने पानी निकालना था, अब वहाँ ही इन्होंने रखना था, अब लाशन वहीं जगाना था। अच्छा। सुबह के टाइम जब सुबह होने लगी तो कोयल आकर उधर आवाज़ मार ली। अच्छा। कोयल ने आवाज़ मारी तो वहाँ से आ गए। अच्छा। वहाँ से आए तो इनके हाथ में एक त्रिशूल था, ऐसा त्रिशूल। अच्छा। एक करमंडल था जिसमें जल सात था। अच्छा। आ गए वहाँ से, यहाँ पहुँचे जब तो यहाँ एक बुढ़िया माता रहती थी, बुढ़िया। अच्छा। रहती थी यहाँ की बस में, जो बुढ़िया थी एक ही घर था उसका। अच्छा। उसका 40-50 नफर थे अपने परिवार, उसके 18 बैल लगे यहाँ, उस बुढ़िया माता के 18 बैल लगे हुए थे। अच्छा। 18 बैल लगे हुए थे, जमींदारी का टाइम था, 18 बैल लगे थे। तो बूढ़ी माता को कहने लगे आप हमें यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो, हम यहाँ ये कुटिया बनाएंगे। कहने लगी नहीं हम नहीं देंगे यहाँ, बोलता दे दो थोड़ी सी जगह। बुढ़िया को क्रोध हो गया, बूढ़े के हाथ में बंगड़ी थी, खोदने वाली जमीन खोदने वाली बंगड़ी थी, उसके साथ मारा महात्मा जी को। अच्छा। जब महात्मा जी को मारा तो महात्मा जी क्रोधित होकर, जो त्रिशूल था इनके पास कुंड के अंदर, जो डंडा लगा हुआ है वो नाग जो लगा हुआ कुंड के अंदर, वहाँ त्रिशूल काट दिया। जब वहाँ त्रिशूल काट दिया पानी तो वहाँ से सांप निकल आए, पानी नहीं आया, सांप निकल आए। सांप इतने सांप निकल गए कि सब हलों के साथ लिपट गए। अच्छा। जब हलों के साथ लिपट गए सब, तो बुढ़िया फिर उसको मारने के लिए आ गई। अच्छा। जब मारने के लिए आई तो उसने फिर त्रिशूल को उठाया और जो जल था कटमंडल में वो जल डाल दिया। जो ही उसने वो जल डाला है तो नीचे से ये गर्म जल निकला हुआ है, ये सपेट से निकला, ये सैलाब आ गया। सैलाब आने से बुढ़िया का जितना भी परिवार था सब सैलाब में चले गए, बह गए सब, सब खाली कर दिया है। तो महात्मा जी गायब हो गए और ये मूर्ति जो अंदर है शेषनाग जी महाराज की, ये मूर्ति यहाँ खड़ी हो गई। अच्छा। तब से ये मंदिर, जब ये खड़ी हो गई यहाँ, तो एक आदमी नाला उधर आगे एक नाला है आधा किलोमीटर। अच्छा। वो आदमी उधर रहता था नाले में। अच्छा। उसका परिवार जो था वो उधर रहता था, वो बुढ़िया से यहाँ उसको राशन वाशन मिलता था, उसकी खिदमत करता था, वो बुढ़िया से राशन मिलता था। जब वो सुबह आया यहाँ देखा उसने तो यहाँ तो बुढ़िया का नाश हो गया, कुछ भी नहीं। फिर उसने इलाके में जाकर, उसका 5 का बेटा था। अच्छा। वो जो नाले वाला था उसका 5 का बेटा था। फिर वो चला गया ऊपर इलाके में, जब गया इलाके में जाकर लोगों को बताया कि हमारे गांव में चलो वहाँ एक कोई मूर्ति निकली है, पिंडी निकली है और पानी निकला है गर्म पानी। अच्छा। लोग यहाँ जमा हो गए, जब यहाँ जमा हो गए लोग डंडौत करने लगे, डंडौत करते करते जो 5 का बेटा था उसको प्रवेश हो गया, चौकी आ गई। अच्छा। उसको चौकी आई, फिर उसने डिटेल बताई कि शेषनाग जी महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं, महात्मा जी के रूप में आए थे, बुढ़िया ने इनके साथ गलत व्यवहार किया जिसकी वजह से बुढ़िया का नाश हो गया, अब आप ऐसा करो यहाँ इनकी स्थापना कर दो और ये जल जो है इसका कुंड बनाओ। फिर लोगों ने कुंड बनाया और यहाँ ये जल, अब इसके सफाई के लिए चट्टो माता ने वहाँ से वचन दिया था कि जहाँ भी आप बैठेंगे आपके कारण के लिए हम अपने आदमी भेजेंगे। अच्छा। फिर तो अब 9 आदमी आते हैं चट्टो माता से, वो 9 आदमी इसकी सफाई करते हैं, तो वो इसके अंदर जाते पानी। हाँ, रात को होती है इसकी सफाई, पूर्णमासी की। हाँ, लिखा था पूर्णमासी के रात को होती है इसकी सफाई। फिर हमारे घर में उनका खाना होता है, मैं बड़ा पुजारी हूँ इस मंदिर का। अच्छा। हाँ,
तो फिर घर में हमारा खाना होता है, खाना शाना खा कर वो आते हैं यहाँ, फिर नहाते हैं, फिर जाकर मंदिर में पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, फिर उसके बाद जाकर चाहे बर्फ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, फिर वो तमाम कुंड को साफ कर देते हैं, पूरा कुंड साफ हो जाता है। अगर कोई गलती की होगी, कोई झूठा झूठा किया होगा, फिर दरिया का जैसा पानी हो जाता है इस कुंड में, हमारे सामने हुआ है, दरिया का जैसा पानी हो जाता है, फिर बहुत खराब पानी हो जाता है। फिर यहाँ यज्ञ लगता है, भवन होता है, लाल गाय का पूजन होता है, फिर दिन भर यज्ञ लगता है, फिर भंडारा लगता है, बस दूसरे दिन सुबह आप आओ, साफ का साफ पानी हो जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो आई होप आपको पूरी हिस्ट्री जान के अच्छा लगा होगा, और ये व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी आज का हमारा स्टे गुलाबगढ़ में होगा, और उसके बाद कल सुबह हम निकल जाएंगे। अगर कहीं गए तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, वरना मचेल माता की सीरीज़ में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मचेल माता की सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा ब्लॉग अच्छा लगा है। आई होप मैं व्लॉग्स अच्छे से कर पाई हूँ, मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई हूँ, बट मैंने अपने से बहुत अच्छा ट्राई किया आपको सब कुछ दिखाने का। सो मेक श्योर कि यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू समवेयर एल्स। ओके बाई।